भाई से योगी जी और राहुल, इस बात में तो सच्चाई है, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। इतनी ज्यादा ठंड कितने साल बाद अब पड़ी है जाके। सूरज जी के तो पूरे महीना होने को जा रहा है, दर्शन नहीं हुए। अब बताओ, पूरे एक महीने से खाली बैठे हैं, कोई काम काज हो ही नहीं पा रहा है इस ठंड में, क्या करा जाए। मोदी जी, मेरे तो दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैं तो वो ही काम शुरू करने वाला हूँ। थोड़ी सी मूंगफली ला के शहर से कल को मूंगफली बेचूंगा इस गांव में। सर्दी में बैठे बैठे आदमी मूंगफली जरूर खरीदता है और चबाता रहता है। योगी जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया बताया। ये आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अगर तुम मूंगफली आज ले आते यहाँ पर, आग के सामने बैठे बैठे 15 रुपए की मूंगफली तो मैं खा जाता तुमसे। आग भी बिल्कुल बुझने ही वाली है, आग के बुझते ही ठंड लगने लगेगी। राहुल अखिलेश, जाके कहीं से थोड़ा सा आग में जलाने के लिए कोई चीज ले आओ। मोदी जी, आप क्यों नहीं ले आते हो? मैं कहाँ से ले आऊँ कोई चीज? कल केजरीवाल जी के घर के बाहर थोड़ी सी लकड़ी रखी थी, वो ही ले आया था मैं। वो ही जल रही है, अगर केजरीवाल जी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राहुल, तुम भी बेफालतू की बात करते हो। अगर केजरीवाल जी को पता चल भी जाएगा तो क्या होगा? ठंडी देख रहे हो कितनी ज्यादा पड़ रही है, ठंडी में लकड़ी नहीं जलाएंगे हम तो क्या करेंगे? वैसे मैं भी सोच रहा हूँ मोदी जी, गुड़ का काम शुरू कर दूँ इस गांव में। सर्दियों में गुड़ बहुत अच्छा बिकता है। नहीं तो पूरा एक महीना हो गया है, कोई दिहाड़ी मजदूरी तो हो ही नहीं पाई है। शिवराज सिंह जी, तुम कैसे चुपचाप बैठे हो? कुछ तो बोलो, तुम कौन सा काम शुरू करना चाहती हो? मोदी जी, आप तो बेफालतू की बात करती हो। काम शुरू करने के लिए पैसा तो हाथ में होना चाहिए। पूरे एक महीने से इस ठंडी में खाली बैठे जो पैसा कमाया था वो खर्चा हो गया। अब योगी जी के पास तो मूंगफली खरीदने के लिए पैसे हैं, अखिलेश के पास भी गुड़ खरीदने के लिए पैसे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है भाई। हम तो बस यही इंतजार करेंगे कब सूरज निकलना शुरू हो, ये ठंडी खत्म हो और दोबारा काम काज शुरू हो। मोदी जी, आग भी बुझती जा रही है, जाके कहीं से लकड़ियां लाओ ना। ऐसा ही एक दूसरे के ऊपर मत डालो। सब लोग चलते हैं लकड़ियां बीन के लाते, फिर पूरा दिन आग के सामने बैठा रहेंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।